यूपी में बहुत सारे बच्चे आयुष काउंसलिंग को लेकर वेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ एक रूल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि अब पार्शियल ड्रॉप बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस वाले नहीं ले सकते, यूपी के अंदर क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भाई टोटल कितने कॉलेजों को परमिशन आई है, कितनी सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है ये भी आपको बताने वाला हूं। इन कॉलेजों को आप कैसे डाउनलोड करके अपने पास पूरी लिस्ट रख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, वन बाई वन आइए सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इस रूल के बारे में कि ये जो नया रूल आया है पार्शियल ड्रॉप को लेकर, ये है क्या, क्या ये रूल आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो यूपी में आयुष की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, आयुष कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो रूल है वो आपका यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये रूल आयुष के लिए नहीं है, ये रूल आया है एमबीबीएस के लिए, ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों के लिए आया है। और इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसको पढ़ने के बाद। ये है क्या, देखिए सीट लीविंग बॉन्ड है। पहले क्या होता था, बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन किया उसके बाद छोड़ दिया तो कुछ पेनल्टी उनको भरनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको पेनल्टी नहीं देनी। आपको क्या है, नेक्स्ट ईयर की जो काउंसलिंग है या एडमिशन की जो प्रक्रिया है उससे डिबार कर दिया जाएगा। आपने एडमिशन लिया और बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया तो अब ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आयुष वाले भी इसमें, कि क्या यहां पर बीएमएस बीएचएमएस लेने पर भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए अभी इस तरीके का रूल नहीं है। कई बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर बोले भेजा है और बोले हैं कि सर आप कह रहे हैं नहीं है लेकिन यहां तो मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल के नाम पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया में मेडिकल का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर होता है एमबीबीएस, बीडीएस भी इसमें नहीं आता, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सच्चाई है। अगर यहां मेडिकल डेंटल और आयुष भी लिखा होता तब आपके लिए भी ये रूल लागू होता। हाँ, जनरल लैंग्वेज में हम आयुष के जो कॉलेज होते हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज बोल देते हैं, लेकिन आयुष के जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, वो बनाए जाते हैं NCISM की द्वारा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो BAMS, BHMS, BOMS, BSMS, BNYS ये सब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हिस्सा है। मेडिकल में MBBS आता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इस तरीके का रूल क्या आयुष में लागू हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कब हो सकता है अभी हमें भी नहीं पता है कब हो सकता है। इन्फॉर्मेशन आपको NCISM पर मिलेगी, AACCC पर मिलेगी, यूपी आयुष पर आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अभी आपको यहाँ इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। तो पहली बात तो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई टोटल कितने कॉलेजों पर आपकी काउंसलिंग यूपी के अंदर होने वाली है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए कि मैंने यहाँ पर कंपैरिजन आपका किया है कि टोटल कॉलेज कितने हैं, किस कोर्स में कितने कॉलेज हैं और उन पर कितनी कॉलेजों पर काउंसलिंग होनी चाहिए और अभी इस समय पर क्या हो रहा है, हालात क्या हैं, जरा समझिएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे BAMS की, तो BAMS में यूपी के अंदर टोटल 8 कॉलेज हैं। अगर इनकी हालत सुधर जाए तो इसमें 800 सीटों पर काउंसलिंग होनी चाहिए, मतलब अच्छे रैंक तक बच्चों को कॉलेज यहां पर मिल सकता है। BHMS में टोटल 9 कॉलेज हैं, 900 सीटों पर काउंसलिंग होनी चाहिए और BUMS में टोटल 2 कॉलेज गवर्नमेंट के, 200 सीटों पर काउंसलिंग कम से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि इनकी हालत इतनी पतली है कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग ना आने की वजह से, काम अच्छे से ना होने की वजह से यहां पर कई सारे कॉलेजों की तो हालत इतनी पतली है कि इतने पुराने कॉलेज हो चुके हैं कि उनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, उनमें क्लास लेने तक की भी हालत नहीं है। बरसात अगर हो जाती है तो पानी भर जाता है, बच्चे क्लास करने नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप अपनी रैंक पर अच्छा कॉलेज चाहते हैं, सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कोचिंग नहीं है। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। जिस कॉलेज में आप जाएंगे उसमें 5 साल आपको बिताने हैं और उन 5 साल में जो भी आप वहाँ पढ़ेंगे सीखेंगे उस बेसिस पर पूरे 50 साल की ज़िंदगी आपकी निर्भर करेगी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लिए होता है, बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है।
आप हमारे स्टैंडर्ड और बेसिक प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे आप वो प्लान ज्वाइन करेंगे। फिलहाल फ्री काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म भी हमने दे रखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। खुद से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देते हैं कि आप खुद से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो BMS में 2023 में जहाँ 800 सीटें आनी थी, हालत इतनी गंभीर है कि यहाँ 363 सीटों की ही परमिशन आई, वो भी सेकेंड थर्ड राउंड में जाके। वहीं 2024 में अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मात्र 6 कॉलेज को परमिशन आई है। कौन कौन से कॉलेज हैं आपको मैं बताऊंगा, 337 सीटों पर। वहीं BHMS की मैं बात करूं तो टोटल 9 कॉलेज हैं, 9 कॉलेजों में यूपी में 766 सीटों की लास्ट ईयर परमिशन आई थी। हाँ, 2022 की अगर मैं बात करूं तो 900 के करीब वहां पर परमिशन आई थी, लेकिन 2023 में ये कम हो गई थी। और अभी तक किसी भी कॉलेज को कोई परमिशन आई है नहीं आई है, इसकी कोई अपडेट अभी हमारे सामने नहीं है। BUMS में 2 कॉलेज हैं, 122 सीटों की परमिशन आई थी और इस साल के लिए अभी कोई भी अपडेट इनकी नहीं है। अब मैं आपको ये 6 कॉलेज दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से 6 कॉलेज हैं जहाँ पर आपको परमिशन मिली है। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं और कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें आई हैं, जरा अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। तो भाई ये कॉलेज का नाम, टोटल सीटें लिखी हुई हैं। लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो 75 सीटों पर यहाँ पर परमिशन आई है। बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो 51 सीटों पर परमिशन आई है। बांदा और आपका ये प्रयागराज वाले में कोई भी सीटों की परमिशन अभी नहीं आई है, इनकी परमिशन को डिनाई कर दिया गया है। आगे आ सकती है नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं, इस तरीके से बर्बाद नहीं जा सकते। तो परमिशन तो आएगी, भले से 10 ही सीटों की परमिशन आए लेकिन आएगी जरूर, तो लेकिन अब वो बाद में आएगी आपकी। अगर मैं बरेली वाले कॉलेज की बात करूं तो यहां पर 66 सीटों की परमिशन आ चुकी है, स्वामी कल्याण देव। मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका 51 सीटें। ललित हरि स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज 38 सीटों की परमिशन आई है। और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ये बनारस का आपका है, इसमें आपकी 56 सीटों की परमिशन आई है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी आपके लिए। अब आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, अपनी स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो कैसे अच्छे तरीके से करा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ प्लान हैं जहां पर बेसिक प्लान और आपका स्टैंडर्ड प्लान, ये दो प्लान हमारे पास होते हैं। बेसिक प्लान मात्र काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले 2499 का है, कैसे ज्वाइन करना है बता दूंगा आपको। और स्टैंडर्ड प्लान यहाँ पर 4999 का है, ये स्पेशल आयुष वाले बच्चों के लिए है। किस प्लान में आपको क्या मिलता है जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप बेसिक प्लान में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन में पूरी हेल्प आपकी की जाती है, चॉइस फिलिंग की लिस्ट हम बनाकर आपको देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी पूरी तैयार करवाती है हमारी टीम, जिससे कि कोई भी गलती डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना हो। हर साल बच्चे डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट्सएप और कॉलिंग का सपोर्ट आपको मिलता है, आपने प्लान तो ज्वाइन कर लिया होगा कहीं और जाकर, लेकिन ना तो कॉल उठाया जाता है ना व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई मिलता है, लेकिन ये सारा सपोर्ट हम मात्र बेसिक प्लान में आपको दे देते हैं 2999 में ही। और आपकी जो किस कॉलेज की फीस क्या है, उनकी बॉन्ड डिटेल क्या है, कहाँ हॉस्टल है कहाँ नहीं है, टोटल खर्चा कितना आएगा, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कट ऑफ की ई बुक भी आपको मिलती है। अब स्टैंडर्ड में क्या ऐसा मिल जाता है, तो देखिए स्टैंडर्ड में आपको पर्सनल काउंसलर मिलते हैं जो आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, पर्सनल टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता है जो आपका रजिस्ट्रेशन खुद से करता है, चॉइस फिलिंग खुद से करके देता है, और साथ ही साथ पर्सनल में आपको डायरेक्ट डॉक्टर श्लोक यानी कि मेरा कॉल सपोर्ट मिलता है। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट अगर आपको आता है। फिलहाल दोनों ही प्लान आपके लिए हैं, हम लिमिटेड बच्चों को यहाँ पर लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके लिए ऑफर है। बेसिक प्लान में मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा पैसा लगाने नहीं है, आप हमारा बेसिक प्लान लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, पूरी मदद आपकी इसमें की जाती है। ज़रूरत अगर आपको है तो स्टैंडर्ड में भी आ सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, डॉक्टर श्लोक ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और उसके बाद सीधा स्टोर में जाकर प्लान को आप परचेज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वहीं से पेमेंट भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। कोई अगर आपका सवाल हो ज्वाइन करने में, कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, 5919 21 60 40 कॉल करिए, जो भी प्लान आपको ज्वाइन करना है उस पर ज्वाइन करिए।
ध्यान रखिएगा, हम बहुत ही लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट देते हैं और ये ऑफर काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तक है, तो इससे पहले ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद फीस बढ़ जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।